आजादी के बाद से ही चापड़ा की जनता पेयजल संकट का सामना कर रही है। 12 महीना ही जनता को टैंकरों से पानी खरीदना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेयजल योजना के माध्यम से नेमावर से देवास तक पेयजल लाया जा रहा है, जबकि यह योजना चापड़ा से होते हुए देवास के लिए निकल रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग एवं प्रशासन की लापरवाही के कारण चापड़ा को उक्त योजना से नहीं जोड़ा गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और उसी के चलते सोमवार के दिन बड़ी संख्या में बागली मुख्यालय पर एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन बागली SDM शोभाराम सोलंकी को दिया गया। हाट पिपलिया मल्टी विलेज वाटर स्कीम योजना के अंतर्गत 113 गांव को पानी मिलना है, जिसके अंतर्गत इस योजना को जमीनी स्तर पर स्थापित करने के लिए निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है, लेकिन चापड़ा को इस योजना से नहीं जोड़ा गया है। लगातार चापड़ा के ग्रामीण जन इस योजना से चापड़ा को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और यहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं। आज़ादी के बाद से आज तक हमेशा पानी खरीद के पीना पड़ रहा है इस गांव को। चापड़ा से ही होके एक शासन के द्वारा एक नेमावर से लेके हाटीपलिया विधानसभा के राजोदा गांव तक एक योजना जा रही है और उस योजना में 113 गाँव को सम्मिलित किया गया, जिसमें हाटीपलिया विधानसभा के 110 गाँव और बागली विधानसभा के 3 गाँव को शामिल किया गया, परंतु चापड़ा को छोड़ दिया गया है और पूरी नल जल योजना चापड़ा होके ही निकल रही है। इसके बावजूद चापड़ा को छोड़ देना एक बहुत ही गलत निर्णय है। अगर पानी चापड़ा को उस उक्त योजना से नहीं दिया गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आज उसी के लिए पूरे नगरवासियों ने, ग्राम पंचायत चापड़ा के सभी सदस्यों और गाँव के लोगों ने मिलकर SDM साहब को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन दिया और मांग की है कि अगर उक्त योजना में नहीं जोड़ा गया तो आने वाले समय में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।